The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपके है कि कितने ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक स्ट्रोक आ सकता है. सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाने से स्ट्रोक नहीं आता. उसका कारण हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उसका कारण है एन्यूरिज्म. उसका कारण है आपकी खून की नसों में वीक स्पॉट है. अब एक हर्निया से अगर कंपेयर करो, पेट में आपने हर्निया सुना होगा कि पेट में हर्निया होता है, बॉडी बिल्डर्स को हर्निया होता है. तो अब कोई बोले सर कितने वजन उठाने से हर्निया होता है, ऐसा कुछ नहीं है. वजन उठाने के लिए लोग 100 किलो 200 किलो 500 किलो भी उठा रहे हैं, वेट लिफ्टर बेल्ट पहन के, ये पहन के, वो पहन के. लेकिन हर्निया उसको होगा जिसके एब्डोमिनल मसल्स या एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो फाइबर लेयर है वो वीक है, कुदरती तौर पे या धीरे धीरे किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई चोट लगी, कुछ कारण से वीक हो गया, राइट. खून की नसें वीक क्यों होती है, ये सवाल अच्छा है. खून की नसों में एन्यूरिज्म अगर पैदाइशी नहीं है तो आ कैसे सकता है, ये सवाल सही है. अगर पैदाइशी है तो पैदाइशी है, कुदरती है. कुदरती किसी की खून की नस ऐसी होती है स्ट्रेट, किसी की खून की नस होती है ये ऐसी पूरी की पूरी ऐसी, किसी की खून की नस होती है ऐसी, किसी की खून की नस ऐसी, किसी की खून की नस एकदम स्ट्रेट. भैया खून की नस है, भगवान ने बनाई जैसे मर्जी. किसी की खून की नस ऐसी हो सकती है एकदम, किसी के अंदर ऐसे, वो भी होता है एन्यूरिज्म. सो एन्यूरिज्म इज अ बलून, राइट. वो अगर कुदरती है तो वो फट सकता है. और वो बलून की थिकनेस कितनी होगी, वो कितने प्रेशर में फटेगा, ये हर एक में बलून पे डिपेंड करेगा. इसलिए एन्यूरिज्म पे क्या किया जाता है, एन्यूरिज्म की लाइगेशन कर दी जाती है. एन्यूरिज्म जहाँ है अगर मिल जाए तो उस एन्यूरिज्म पे एक गांठ मार दी जाती है, एक टाई मार दी जाती है कि उसमें खून ही ना जाए, बात ही खत्म, है ना. एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म मतलब ऐसा नहीं होता कि ये बन किया तो आगे खून ही नहीं जाएगा, नहीं. एन्यूरिज्म होता है कि उसके वॉल में ही, उसके वॉल में एक बड़ा टुंबू है तो उसको बंद किया तो बाहर रास्ता रहेगा. तो एन्यूरिज्म में बंद करके टाई मार दिया जाता है. लेकिन एन्यूरिज्म होगा कैसे, अगर आपको वैस्कुलाइटिस हो गया यानी इस खून की नसों का इन्फेक्शन हो गया, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलावटी चीज़ें खाते हैं. आजकल आयुर्वेदिक चीज़ों में हैवी मेटल्स मिल के आते हैं, कई लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, उन सब चीज़ों से भी आपके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ता है, कई बार एक्चुअल इंजरी हो जाती है. ऐसी कोई इंजरी जो आपको उस समय वहाँ पर इंजरी करके खून की नस भी डैमेज हो जाए लेकिन वो ठीक से हील ना करे, तो ऐसे हो सकता है. सो ये सारे कारण होते हैं जिसके वजह से एन्यूरिज्म या एबनॉर्मल वीकनेस होती है खून की नसों में, जिसके वजह से ब्लीडिंग हो सकता है. उसके अलावा होती है खून ज़्यादा पतला हो जाए. तो खून ज़्यादा पतला कब होता है, लिवर की बीमारी में, जिसको कि लिवर होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है खून कंट्रोल करने के लिए. तो लिवर की जिसको बीमारी है उसका खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, उसको वैसी कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है. तो बीपी एक एडिशनल फैक्टर नहीं हो, बीपी तो यार किसी का भी बढ़ेगा. जब आप दौड़ोगे, जब एक इंसान एक जवान आदमी भी दौड़ता है उसका बीपी 200 पहुंच जाता है, 180 पहुंच जाता है, इसका मतलब ब्लीडिंग हो जानी चाहिए. दूसरा एक बुढ़ापे में पेशेंट है, बुढ़ापे में पेशेंट थोड़ा भी चलता भी है तो उसका बीपी 180 पहुंच सकता है, लेकिन उसको हमेशा ब्लीडिंग तो नहीं हो जाती. जब तक ऐसी कमजोरी नहीं है, जब तक ऐसी चीज नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होगी. ऐसी कमजोरी है तो ब्लीडिंग आपके नॉर्मल बीपी में भी हो सकती है, मात्र बेड से खड़े होने में बीपी हो सकता है, अभी आपको ब्लीडिंग हो सकता है, सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो. तो अगर आपकी खून बहुत ज़्यादा पतला हो, लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो, डेंगू हो, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो, तो ब्लीडिंग हो सकता है. सो ये सारे कारण होते हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकता है. ब्लड प्रेशर हाई हो जाने भर से ब्लीडिंग नहीं हो जाता, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई रहना अच्छी बात नहीं है. इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो खून की नसों में प्रेशर आके वहाँ भी क्रैक्स होंगे, वो क्रैक्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा और खून की नस ज़्यादा बंद होगी. तो आपको ब्लड प्रेशर को कम तो रखना ही रखना है, इसलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए. ब्लड प्रेशर कम रखने का मतलब ये नहीं है कि भाई ब्लीडिंग नहीं हो सकता, या ये नहीं है कि 120 ब्लड प्रेशर, 220 ब्लड प्रेशर है तो मेरे को ब्लीडिंग हो जाए, भगवान ब्लीडिंग हो जाएगा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है. और ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से सिम्टम भी ज़रूरी नहीं है, कि आपको सर दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, आपको अजीब लगेगा, ज़रूरी नहीं है. किसी को आता है, किसी को नहीं आता. जिसको आता है उसका ब्लड प्रेशर लगातार कई महीनों के लिए, कई दिनों के लिए हाई रह चुका है, इसलिए
उसका दिमाग या उसके ऑर्गन्स अब बोल रहे हैं कि भाई इतना प्रेशर हम नहीं झेल सकते, तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, अब जाके सिम्टम आ रहा है। तो अगर आपका अभी अभी ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो ही नहीं सकता, मुझे तो समझ नहीं, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स, ओके।